एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सभी ब्लॉग में आप लोग का बहुत सारा स्वागत है, मीन्स बहुत सारा वाला वेलकम है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप भी हो रहा है, सुबह में बज रहा है, कितना टाइम हो रहा है? 8:30 बज रहे हैं और मेरा लगभग नाश्ता हो गया है। टिफिन ये लोग चले गए, ये पतिदेव ऑफिस चले गए, बाबू स्कूल चला गया और उसके बाद अभी मैं चाय पी रही थी बैठ के, तो मुझे लगा अपनी वीडियो भी बना लेती हूँ, थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ आप लोगों से। तो यही था, मैं आपको एक वीडियो देख रही थी ऐसे स्किप करके, यूट्यूब पर देख रही थी। तो क्या था, एक दिन मेरे मन में आया कि सबकी वीडियो तो मैं देखती हूँ, कभी मैं यूट्यूब पर अगर अपनी खुद की वीडियो डालूँ तो शायद मुझे एक अद्धा में से, एक जन्म से, दो जन्म से कोई ना कोई तो मुझे भी देखेगा, मेरी वीडियो को देखेगा और जो मैं बनाऊंगी वो देखेगा, मतलब मुझे भी लोग पसंद करेंगे, ऐसा मेरे मन में था। तो मुझे लगा कि मैं भी ये काम कर सकती हूँ, ऐसा मेरे दिमाग में आया। ऐसा मेरे जैसे कितने लोग सोचते हैं बताइएगा। मैं तो पूरे दिन भर घर में ही रहती हूँ, घर का काम यही सारी चीज़ें हैं, तो एक मेरी अलग पहचान बन जाएगी, सच बता रही हूँ आपको। मैंने अपने मन में ये सोचा कि ये मेरी खुद की पहचान बनेगी, जो मैं बनाऊँगी, जो मैं करूँगी वो मेरी पहचान होगी, सबसे हटके होगी। मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है वीडियो बनाना, बिल्कुल भी नहीं पसंद है, सच बता रही हूँ। बहुत लोग के साथ ऐसा होता होगा तो नहीं पसंद है, फिर भी मेरा मन करता है लेकिन ये सब काम करने के लिए। तो किसी किसी को इंटरेस्ट होता है ना, जैसे कि मेरे को बहुत ज़्यादा है, सच में बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को जो नहीं आता ना, मैं अपनी हकीकत बता रही हूँ आज आप लोग से। कितने लोग इसको मजाक नहीं समझेंगे, कितने लोग सीरियसली भी समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्या है जो मुझे नहीं आता। मैं गूगल पर सर्च करती हूँ, सर्च करके फिर उसको ढूंढ के फिर बोलती हूँ, फिर उसको देखती हूँ कि कैसे करना है, कैसे लिखना है, क्या करना है। सच बता रही हूँ आपको, मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मेरे लिए ना ये, मतलब एक होता है ना लाइक कि हम सारा काम करके ये काम हमको करना है। मैं छोटी सी कोई भी वीडियो शूट करती हूँ तो वो डालती हूँ, तो वो मतलब मेरे को एक टाइम होता है करने का कि मुझे अब शूट करके डालना है, ये चीज़ बना के डालना है, जो मेरे पास टाइम रहता है। सुबह का काम रहता है, तो देखो आज ही था सुबह में मैंने ढोकला बनाया था, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मैं पूरी सब्जी बनाई थी, आलू गोभी मटर की सब्जी थी और पूरी था, नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि सुबह सुबह का काम ऐसा भागम भाग वाला काम होता है, तो भाई ये नहीं हो पाता, सब लोगों के साथ होता होगा। तो आप वीडियो बना के रखना, शूट करना, फिर उसके बाद मतलब बहुत मतलब इरिटेट वाला काम हो जाता है, नहीं कर पाते। लेकिन जब हम खाली टाइम में रहते हैं तो वो चीज़ हम शूट करते हैं और डालते हैं। और मेरे यहाँ तो अगर ये लोग घर में रहते, बाबू घर में रहता तो चलो कोई बात नहीं, ये घर में रहते हैं उनको जल्दी से कंफर्टेबल नहीं फील होता बनाना करना ये सारी चीज़, लेकिन ये कभी मेरे को बोलते नहीं कुछ भी, लेकिन हाँ कहते ये पागलपंथी क्या है, ये पागलपंथी क्या है, क्या करना है ये सब, लेकिन फिर भी कहते अच्छा ठीक है, जब तेरा मन है तो तू कर, ऐसा करके। ऐसा नहीं कि नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ ये कहते हैं, मैं सोचती हूँ कि हे भगवान जी कभी इतना मतलब ऐसा कर दो कि कभी ये मेरे को प्राउड फील करे कि हाँ तूने बहुत अच्छा काम किया। अब पता नहीं ये आप लोग की दुआ है, शायद हो भी सकता है ऐसा। कहते हैं ना इंसान जब सपने देखता है ना तब साकार होता है, सच बता रही हूँ। तो यही है मेरी छोटी सी बात और मेरी छोटी सी दुनिया। छोटी सी दुनिया में क्या कह सकते हैं, मेरा बेटा, मेरे पति और मैं और मेरी पूरी फैमिली, तो मेरी दुनिया यही है। तो उम्मीद करती हूँ, अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, जितना मेरे से बन पड़ता है उतना शूट करती हूँ और डालती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग स्किप मत करके देखिएगा, बहुत मेहनत लगता है ये सारा काम करने में। वीडियो को पूरा देखिए, देखा करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होती है मतलब 8 से 10 मिनट की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो प्लीज़ अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखो कि एक दिन मेरे ऊपर भी कोई प्राउड फील करेगी, हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया, सच बता रही हूँ। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए रेसिपी देखते हैं, क्या मैंने, कल संडे था, क्या मैंने बनाया था। और उसके बाद उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये तो अगर सब्सक्राइब कर लोगे आप लोग को नोटिफिकेशन जाएगा मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी। तो उम्मीद करूँगी आप लोग को वीडियो ये ज़रूर पसंद आया होगा, ठीक है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, बातें तो बहुत सारी मैंने कर ली, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलो वीडियो देखते हैं।
इधर मैंने ले लिया भजिया बनाने के लिए मिर्ची 6-7 और 3 आलू, और आलू को मैंने कट कर लिया पतले पतले क्योंकि ये पकोड़े बनेंगे आलू के, और मिर्ची के ही सिर्फ भजिया बनेगी। तो मैंने आलू कट कर लिए पतले पतले, और इधर देखो ये मैंने कट कर लिया है मिर्ची बीच से, और कट करके इसके सारे बीज निकाल दूंगी, क्योंकि अगर आप तीखा खाते हैं तो कोई बात नहीं, मिर्ची इतनी तीखी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई कोई तीखी होती है थोड़ी सी, तो मैं निकाल देती हूँ बीज। और उसके बाद जो है ये मैं देखो सारे बीज निकाल दूंगी और ऐसे कट कर लूँगी, और ये मैं एक टमाटर कट कर लूँगी, इसके भी पकौड़े बनाऊँगी मैं। तो एक काम में 3 तरह के पकौड़े बनाऊँगी एक बार में। तो ये देखो ये मैंने ले लिया है बेसन, और इसमें कॉर्नफ्लावर डाल लेती हूँ 2 चम्मच, और डाल लिया है मैंने जीरा पाउडर, हींग, गरम मसाला, नमक, और उसके बाद इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। थोड़ा गरम मसाला 2 चम्मच के करीब मैंने डाला है, छोटा सा चम्मच था, और उसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। आप देख सकते हो ये अच्छे से मिक्स हो गया। इधर मैंने रख दी है चाय पकने के लिए, और फिर इधर मैं उसमें डाल दूंगी अदरक और चीनी। ये तो खैर सब सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बना रही थी तो मैंने मतलब शेयर कर दिया मैंने। और मेरे घर में संडे का दिन रहता ना, तो सच बता रही पकोड़े ज़रूर बनते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है ना, मेरे हस्बैंड को पकोड़े और आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। आप लोग मेरी रेसिपी में आलू के पराठे और पकोड़े ज़रूर आप देखोगे। तो यही था, इनको खाना था पकोड़े, तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं बनाती हूँ। उसके बाद जो है मैंने बनाना शुरू किया, और ये देख सकते हो सबसे पहले मैंने आलू के बनाए, क्योंकि आलू का ना बाबू को भी मेरे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आलू के और इनको भी पसंद है, और भजिया मुझे बहुत पसंद है। मुझे मतलब इतना पसंद है कि मैं क्या ही बोलूँ आपको, मतलब बहुत अच्छी लगती है। साउथ की भजिया तो आप जानते ही होंगे, जो साउथ के होंगे, कितनी अच्छी लगती है। तो कभी कभी बाहर जाने के लिए खाने के लिए नहीं होता तो घर में ही बना लेते हैं, तो ऐसा ही है। ये देख सकते हो कितने अच्छे आलू के पकोड़े बनके रेडी हो गए हैं। और फिर उसके बाद इधर मैं लगे हाथ फटाफट, ये बाबू को दी ना तो वो दिखा रहा था अपना कि देखो मेरा भी आप दिखा दो कि मैं देखो खाने जा रहा हूँ ऐसे करके। तो ये देख सकते हो फिर दूसरी बार में भी मैंने ऐसे डाल दिया, आलू के ही डाल दिए। और उसके बाद जब आलू के हो जाएंगे फिर उसमें डालूंगी मैं भजिया, और तो बहुत अच्छी लगती हैं, आप कभी घर में ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगती है। और आपको पता है मुझे पता नहीं क्यों ना, ये मिर्ची सिर्फ मुझे यहीं साउथ में देखने के लिए मिलती है, ये वाली मुझे हमारे यहाँ लखनऊ उखनऊ में तो मुझे नहीं कहीं देखने के लिए मिलती। और भरने वाला जो मिर्चा होता है ना, लाल वाला, वो वाला ग्रीन कलर का दिखता है, लेकिन ऐसी मिर्ची सिर्फ मुझे यहीं दिखती है। तो सब लोग यहाँ इसको बनाते ही हैं, भजिया आपको किसी भी होटल में आसानी से मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो घर की ही बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखो ये मैंने बेसन में ऐसे, मतलब बेसन वाले मसाले में ऐसे मैंने लपेट के इसको ऐसे छान, मतलब डाल दी तेल में। और इधर मैं बना लेती हूँ चटनी। चटनी में क्या है, एक टमाटर है और लहसुन है और 2 सूखी मिर्ची, और उसके बाद जो और बना लेती हूँ चटनी। चटनी बना के रेडी कर लूँगी, जब तक ये पकेगी तब तक मैं चटनी बना ली, और उसके बाद चाय और पकौड़े, चटनी। और किसको किसको खाना है, हमारे यहाँ निमंत्रण है, आ जाओ, आप लोग को निमंत्रण देते हैं, आ जाओ खा सकते हो। और उसके बाद जो है, लेकिन अगर हमारे घर वाले ही ये वीडियो देखते हैं तो भाई बहुत दूर है, इतना दूर कोई आना ही नहीं चाहेगा जल्दी से, और बेंगलोर सच में हमारे घर से बहुत दूर है, तो वही है। और ये मैंने बना लिए टमाटर के, टमाटर के भी मुझे बहुत पसंद लगते हैं, आलू और भजिया और टमाटर के पकौड़े और चाय, जिसको जिसको खानी है भैया आ जाओ। अब कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आप लोग को।